हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे रिवर की वजह से, जो रिवर देखिए तीन काम कर रहा है, एक कर रहा है इरोजन, एक कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन, एक कर रहा है डिपोजिशन, है ना। तो इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बन रहे थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हमने डिस्कस कर लिया है, और इसके बाद रिवर की वजह से जो डिपोजिशन होता है उससे कुछ अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं, उनमें से भी हमने कुछ डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था? तो पहले वीडियो में हमने एल्यूबियल फैंस के बारे में जाना था, उसके बाद हमने ऑक्सबो लेक के बारे में जाना, है ना। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल लेवी एंड फ्लड प्लेन्स के बारे में। तो नेचुरल लेवी या फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? तो देखिए, इस डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला वाला जो है, देखिए ये एक रिवर है, है ना, नॉर्मल लेवल पे फ्लो हो रही है, बिफोर फ्लड की बात हो रही है, कोई फ्लड नहीं है, नॉर्मल पूरे थ्रू आउट द ईयर इस टाइप से फ्लो होती रहती है ना। पर जब इसमें फ्लड आती है, तो फ्लड आती है तो क्या होता है, वाटर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। अब वाटर लेवल बढ़ने की वजह से क्या है कि ये जो वाटर है वो यहाँ से स्प्लिट हो जाता है और पूरे में फैल जाता है, और जो रिवर का जो कोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। ये रिवर कई किलोमीटर में कई बार फैल जाती है, जैसे गंगा हुई, गंगा रिवर बहुत कई किलोमीटर में फैल जाती है। अगर आप देखेंगे बिहार में, देखें कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा चौड़ाई उसकी हो जाती है, है ना। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब ये बहुत ज़्यादा फैल गई है तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, थिन एंड फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो इन यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, बहुत काफ़ी बड़ा है एरिया होता है, वहाँ पर जाके वो नीचे जमा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो रिवर का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लो वाइड हो गया है, तो वाटर स्पीड हो जाती है स्लो, करंट का स्लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो फाइन क्ले पार्टिकल्स होते हैं, स्टोन पार्टिकल्स होते हैं, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। अब अभी तो ठीक है, लेकिन जब ये पानी वापस ख़त्म होता है ना, फ्लड वापस जब ख़त्म होती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी मात्रा में आपको फाइन पार्टिकल्स, है ना, सॉइल पार्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है थोड़ा नदी से थोड़े दूर वाला, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्लड प्लेन्स, है ना। और ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे न्यू सॉइल होती है ना, एल्यूबियल सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक, अब देखिए, तो अब मैं समझता हूँ कि आप फ्लड प्लेन्स के बारे में समझ गए होंगे। जो आपकी गंगा रिवर हुई, है ना, तो गंगा रिवर इसी टाइप के फ्लड प्लेन्स बनाती है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं यूपी बिहार में। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, है ना, फ्लड प्लेन्स के बारे में आप समझ गए हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल लेवी, वो भी इसी का एक पार्ट है। तो नेचुरल लेवी को कैसे समझेंगे? तो फाइन पार्टिकल्स तो यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं, पानी उतर गया, उसके बाद यहाँ पर ये प्लेन आपको खेती करने के लिए अवेलेबल होता है। अब देखिए, जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि यहाँ किनारे पर, है ना, ये जो इनका एम्ब्रांकमेंट, ये जो बैंक होता है, बैंक ऑफ रिवर होता है, यहीं पे ये क्या होते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। थोड़े से ये बड़े पार्टिकल्स हैं, तो अब देखिए जब ये यहाँ किनारों पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं, तो अभी देखिए ये किनारे ऐसे थे, सिंपल थे, है ना, और कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये डिपोजिशन यहाँ पर हो रहा है, तो ये किनारे कैसे हो जाते हैं, ये जो इसके बैंक से, रिवर बैंक से, वो थोड़े से ऐसे हाइटेड हो जाते हैं। अब देखिए इनके हाइटेड होने से क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए ये रिवर है, है ना, नीचे भी थोड़ा सा सिल्ट जमा होता रहता है, तो अब ये जो रिवर है वो ऑटोमेटिकली हमको गहरा लगने लगेगा, है ना, कि इसकी गहराई थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, रिवर वैली थोड़ी सी गहरी हो गई है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी हाइट काफ़ी कम है, है ना, यहाँ पे देखने पे आपको लगेगा कि गहराई इतनी है ना। उसके बाद ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा, अब ये हाइट बहुत ज़्यादा हो गई ना, जब हम यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो हमको रिवर क्या लगेगी, काफ़ी ज़्यादा डीप लगने लगती है। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम बोलते हैं नेचुरल लेवी, है ना। तो ये भी अच्छा, ये थोड़ी सी जो ज़्यादा बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं ना, वो नेचुरल लेवीज़ बनाती हैं, छोटी नदियाँ कंपेरेटिवली नेचुरल लेवीज़ नहीं बनाती हैं। जो बड़ी बड़ी नदियाँ रहेंगी वो नेचुरल लेवीज़ आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, नदी के किनारे बहुत सारे टीले से बने होते हैं ना, वो भी नेचुरल लेवीज़ ही होती हैं। अब जरूरी नहीं इनका शेप बिल्कुल इतना सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है, कि ऐसा सेम टू सेम, पर ये लगभग ऐसे ही दोनों साइड से जो एम्बार्कमेंट्स है वो काफ़ी हाइटेड उसके किनारे बन जाते हैं, वही नेचुरल लेवी कहलाते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेल्टा और एस्चुरी के बारे में, है ना, क्या होते हैं, आप थोड़ा सा उसको पढ़ के रखना, मैं आपको फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।